हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज आप ही सी और इट। ही सी इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहा जा रहा है, फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब कि जानवरों के लिए और प्लांट्स यानी पौधों के लिए। तो कहीं जहाँ पर जानवर होगा या फिर पौधा होगा तो हम इनमें से कौन सा किसके साथ प्रयोग करेंगे, मतलब कि जानवर के साथ ही लगाएंगे, सी लगाएंगे कि इट लगाएंगे, या फिर पौधे के साथ इनमें से कौन सा लगाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर जानवर होगा, पौधा होगा, तो ही सी इट में से हम कौन सा लगाएंगे किसके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखेंगे कि किसके साथ कौन सा लगता है। पहला हमारा सेंटेंस है, देखिए, दिस इज ए लाइन। तो हमेशा की तरह हम आपको एक एक शब्द की प्रोनाउंसिएशन भी लिखकर बताएंगे और इसकी हिंदी भी बताएंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे, दिस इज अ लाइन। क्या लिखा है, दिस इज अ लाइन। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, लाइन मीन्स शेर। यह एक शेर है, क्या हो जाएगा, यह एक शेर है। दिस इज अ लाइन, यह एक शेर है। अब देखिए यहाँ पर शेर के बारे में बात हो रही है, तो शेर के साथ हम क्या लगाएंगे, ही सी इट में से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपको सीखना है। तो शेर जो है हमारा एनिमल है, मतलब कि जानवर है, तो उसके साथ हम ही लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही रोर्स इन द जंगल। ही, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ही रोर्स इन द जंगल। ही मीन्स वह, रोर्स मतलब होता है दहाड़ता है, रोर मतलब होता है दहाड़ना, और रोर्स मतलब दहाड़ता है। इन मीन्स में, द जंगल मतलब जंगल में। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह जंगल में दहाड़ता है। ही किल्स अदर एनिमल्स। ही, ये क्या लिखा हुआ है, ही किल्स अदर एनिमल्स। वह क्या करता है, ही मीन्स वह, किल मतलब होता है मारना, तो जब एस लगा हुआ है तो हम बोलेंगे मारता है। ही किल्स अदर एनिमल्स, वह मारता है, अदर मतलब अन्य, एनिमल्स मतलब होता है जानवर, तो वह अन्य जानवरों को मारता है। ही इज द किंग ऑफ द जंगल। ही इज द किंग ऑफ द जंगल। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, द किंग मतलब राजा, किंग मतलब होता है राजा, ऑफ मीन्स होता है का, की, के, जो भी आपके सेंटेंस के अनुसार होगा, ऑफ का मतलब आप वही लगाएंगे, का लगाएंगे, की लगाएंगे, के लगाएंगे, जो भी आपके सेंटेंस के हिसाब से होगा। द जंगल मतलब जंगल का, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वह राजा है जंगल का, तो यहाँ पर हम का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा पूरा क्या बन जाएगा, वह जंगल का राजा है, वह जंगल का राजा है। ही इज द किंग ऑफ जंगल, वह जंगल का राजा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जंगल के राजा के बारे में यहाँ पर दिया भी गया है फिगर भी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस हमारा अगला है, दिस इज अ काउ। क्या लिखा है, दिस इज अ काउ। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, काउ मीन्स गाय, तो क्या हो जाएगा, यह एक गाय है, यह एक गाय है। तो अब गाय के बारे में बात हो रही है, तो गाय के साथ हम क्या लगाएंगे, गाय हमारी क्या होती है, फीमेल होती है, मतलब कि स्त्रीलिंग में आती है, तो हम उसके साथ सी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सी ईट्स ग्रास। क्या लिखा हुआ है, सी, सॉरी यहाँ पर बड़ा सा रहेगा, सी ईट्स ग्रास। सी मीन्स वह,
ईट्स मीन्स खाती है, ईट मतलब खाना और एस लगा हुआ है तो हम बोलेंगे खाती है, ग्रास मीन्स होता है घास, तो क्या हो जाएगा वह घास खाती है, वह घास खाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सी गिव्स मिल्क, क्या लिखा हुआ है सी गिव्स मिल्क, सी मीन्स वह, गिव्स मतलब देती है, मिल्क मतलब दूध, तो क्या हो जाएगा वह दूध देती है, वह दूध देती है, सी गिव्स मिल्क। सी इज वाइट, क्या लिखा हुआ है सी इज वाइट, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, वाइट मतलब होता है सफ़ेद, तो वह सफ़ेद है, वह कैसी कलर की है सफ़ेद रंग की है। तो यहाँ पर देखिए गाय का फिगर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं इसी के बारे में बात यहाँ पर हो रही थी। तो जब गाय के बारे में हम बात करेंगे तो हम ही सी इट में से क्या लगाएंगे सी लगाएंगे, क्योंकि गाय जो होती है हमारी स्त्रीलिंग होती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दिस इज अ डॉग, क्या लिखा हुआ है दिस इज अ डॉग, दिस मिस या, इज मिस है, अ मिस एक, डॉग मिस कुत्ता, तो सेंटेंस क्या बनेगा यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है। अब देखिए कुत्ते के साथ क्या लगाएंगे इट, क्योंकि यह हमारा एक जानवर है, इसके साथ हम लगाएंगे इट, तो क्या हो जाएगा क्योंकि पालतू जानवर है, जब कोई पालतू जानवर होता है तो उसके साथ हम इट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा इट बार्क्स एट द थीप, इट मीन्स यह, इसका मतलब भी होता है यह, इट ये लिखा हुआ है इट, बार्क्स, बार्क मतलब होता है भौंकना और बार्क्स हो गया तो बार्क्स मतलब होता है भौंकता है, एट, एट मतलब पर, द थीप, थीप मतलब होता है चोर, तो क्या कह रहा है इट बार्क्स एट द थीप, यह चोर पर भौंकता है, यह क्या करता है चोर पर भौंकता है, यह चोर पर भौंकता है, यह चोर पर भौंकता है। अगला हमारा सेंटेंस है इट रन्स फास्ट, इट रन्स फास्ट, इट मीन्स यह, रन्स मतलब दौड़ता है, फास्ट मतलब तेज, तो क्या हो जाएगा यह तेज दौड़ता है, यह तेज दौड़ता है, इट रन्स फास्ट। इट इज ब्राउन, इट इज ब्राउन, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, ब्राउन मतलब भूरा कलर, कलर मतलब रंग के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, सारे रंगों के नाम आप याद कर लीजिए अगर आपको नहीं पता, जैसे रेड ग्रीन ब्लू, इंग्लिश में सारे रंग के नाम आपको याद होना चाहिए। तो अब देखिए ब्राउन मतलब क्या होता है भूरा, इट इज ब्राउन, क्या हो जाएगा यह भूरा है, यह भूरा रंग का है। अगला हमारा सेंटेंस है देखिए यहाँ पर कुत्ते के बारे में बात हो रही थी, तो ये कुत्ता यहाँ पर छापा गया है, दिखाया गया है, इसी के बारे में बात हो रही थी। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, यहाँ पर रोज़, रोज़ मतलब होता है गुलाब, तो यहाँ पर देखिए गुलाब का फूल यहाँ छापा हुआ है, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या है दिस इज अ रोज़, क्या लिखा हुआ है दिस इज अ रोज़, दिस मिस यह, इज मिस है, आ मिस एक, रोज मतलब होता है गुलाब, क्या हो जाएगा यह एक गुलाब है, यह एक गुलाब है, तो यहाँ पर देखिए गुलाब दिखाया गया है, इसी के बारे में बात हो रही है, यह एक गुलाब है, यह कैसा है इट इज पिंक, इट इज पिंक,
तो देखिए गुलाब के लिए भी हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, पिंक मतलब होता है गुलाबी, गुलाबी रंग, तो क्या हो जाएगा यह गुलाबी रंग का है, या फिर आप कह सकते हैं यह गुलाबी है, यह गुलाबी है। इट हैज़ अ नाइस स्मेल, इट हैज़ अ नाइस स्मेल, इट मीन्स इसके पास, मतलब इट मीन्स यह, हैज़ मीन्स पास, मतलब कि अब हो जाएगा इसके पास, और मीन्स एक, नाइस मीन्स बहुत अच्छी, स्मेल मतलब होता है सुगंध, इसके पास बहुत अच्छी सुगंध होती है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इसके पास अच्छी सुगंध है, या यह बहुत अच्छा महकता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। आई लव रोज, आई लव रोज, आई मीन्स मैं, लव मीन्स प्यार करता हूँ, रोज मीन्स गुलाब से, मैं गुलाब को प्यार करता हूँ, या गुलाब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, गुलाब मुझे बहुत ही पसंद है, जो भी आप इसके बारे में बोल सकते हैं, मतलब कि गुलाब मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये था हमारा आज का, छोटे छोटे सेंटेंस थे जिसमें हमने देखे कि सी, इट और ही, इन तीनों में से किसके साथ कहाँ पर क्या हम लगाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है रियली आपको अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको छोटे छोटे सेंटेंस से इंग्लिश हम आपको सिखाते रहेंगे, जीरो से बेसिक से इंग्लिश सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।